हेलो स्टूडेंट, आज हम सिफेलोकोर्डेटास स्टडी करेंगे। हम प्रोटोकोर्डेटा के सब फाइलम को स्टडी कर रहे हैं। हमने हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और अब हम सिफेलोकोर्डेटा, जो कि इसके थ्री सब फाइलम है प्रोटोकोर्डेट्स। प्रोटोकोर्डेटा के अंदर जो हेमिकोर्डेट थे उनको सेमी या हाफ कोर्डेट बोला गया था, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक करेक्टर जो है कोर्डेट के थे, लेकिन अदरवाइज उनके अंदर कोर्डेट के करेक्टर देखने को नहीं मिले, जिसके कारण उसको हमने एकाइनोडर्म का एक सिस्टर ग्रुप जो है वो माना। अब यूरोकोर्डेटा हमने इससे पहले जो स्टडी किए थे उसमें देखा था कि जो प्राइमरी करेक्टर होते हैं कोर्डेट्स के, कि उनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, उनके अंदर डोर्सल नर्व कॉर्ड है, उनके अंदर पोस्ट एनल टेल है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये सिर्फ जो है यूरोकॉर्डेटा के लार्वल करेक्टर में देखने को मिले, अडल्ट के अंदर वो नहीं थे। अडल्ट में भी अगर आप देखेंगे तो लार्वेसी क्लास के अंदर हमने देखा था कि वहां पर कॉर्डेट के करेक्टर जो है अडल्ट में भी देखने को मिले। अब हम सिफेलोकोर्डेटा के बारे में देखेंगे। तो सिफेलोकोर्डेटा जो है उनका मीनिंग ही क्या होता है, सिफेलो मीन हेड, कोर्ड मीन उनके अंदर कोई रोड है, और एट का मतलब होता है, एटा का मतलब होता है ग्रुप। सिफेलोकोर्डेटा ऐसे एनिमल है जिनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरे एंटीरियर एंड, जिसको हेड बोल देते हैं, वहां तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो फिश लाइक होती है और मरीन होते हैं ये, इनको एम्फियोक्सिस और लैसलेट बोल देते हैं। नोटोकोट पूरी बॉडी के अंदर आप देखेंगे, पिक्चर में देख सकते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर ये यहां से यहां तक एक्सटेंड कर रही है। नोटोकोट, फेरेंजियल गिल्सलेट, टेल, सब जो है थ्रू आउट लाइफ जो है इन सिफेलोकोर्डेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, वो बहुत ही कम है, और यहाँ पर सिर्फ वन क्लास है सिफेलोकोर्डेटा की, दैट इज लेप्टोकार्डी, और उसमें सिंगल फैमिली है, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमीटा। अब इसके अंदर टू जेनरा जो हैं वो आते हैं, जेनरा वन असमिट्रोन बोलते हैं। इनके अंदर जो ये जो पिक्चर है ये असमिट्रोन की है, जिसमें राइट साइड में गोनड प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे गोनड्स होते हैं, एक सिंगल नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, और इनकी जो मेटाप्लोरल फोल्ड होते हैं वो असमिट्रिक होते हैं। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इनकी बॉडी की जो बॉडी वॉल होती है वो फोल्ड हो जाती है लोअर एंड पर, और फोल्ड बना लेती है, जिसको मेटा प्लूरल फोल्ड बोलते हैं। ये फोल्ड असमिट्रिक का मतलब इनका साइज जो है वो सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता, और ये ट्रॉपिकल सीज के अंदर देखने को मिलते हैं, और इनकी सेवन स्पीसीज है, ओनली सेवन स्पीसीज जो है देखने को मिलती है। सेकेंड जेनरा जो है ब्रैंकियोस्टोमा का है, जिसके अंदर पेयर्ड गोनड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों साइड में गोनड्स जो है देखने को मिलेंगे। इनके अंदर सिमेट्रिकल मेटाप्लूरल फोल्ड होते हैं, फोल्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट है लेकिन वो इक्वल साइज के हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज के अंदर देखने को मिलते हैं, और इनकी एट स्पीसीज जो है वो आज के टाइम है, क्योंकि इनका साइज छोटा है सब इस सब फाइलम का। लेकिन कहता है अगर हम वर्टिब्रेट की हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं तो वहां पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमने देखा जो प्राइमरी कॉर्डेट के करेक्टर हैं वो सभी लार्वा और अडल्ट स्टेज में देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्रैंकियोस्टोमा है, ठीक है, जिसमें आप ये डोर्सल नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, ये फ्रिंजल गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, और ये टेल कोडल फिन जो टेल रीजन के अंदर होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। जनरल करेक्टरिस्टिक सिफेलोकोर्डेटा को अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं तो वो फिश लाइक होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं।
कुछ ट्रांसपेरेंट भी आपको देखने के मिलेंगे, मरीन होते हैं। इनकी बॉडी जो है लेटरली कंप्रेस्ड रहती है और टैपरिंग होती है बोथ साइड, दोनों साइड आप देखेंगे तो टैपरिंग होती है। पोस्ट एनल टेल होती है, पोस्ट एनल टेल, जो एनस रीजन जो होता है वो टेल के पास होता है, यानी कि एनल से पोस्ट में जो है वो टेल चली जाती है, यानी कि आगे जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है इनकी एकदम, जो इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग स्विमिंग में। और यहाँ पर ये लैसलेट बोलते हैं इनकी शेप के कारण, और सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं नियर सी शोर जो है वो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वाटर की टाइड्स आती हैं और चली जाती हैं, और ये सब टाइडल एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, और वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होता है। इनका साइज जो है 50 to 70 mm मिलीमीटर होता है, जिसको हम 5 to 8 cm लॉन्ग भी कह सकते हैं। ये मैरीन होते हैं, फॉसोरल होते हैं, यानी कि ये बर्रो बनाकर जो हैं उनके अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सैंडी सी शोर के ऊपर ये रह रहे हैं, तो वहां पर सैंड जो है डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कोर्स सैंड हो सकती है, कुछ शेल के ग्रेवल्स हो सकते हैं, जो मोलस्क हैं उनके शेल जो हैं वहां पड़े हो सकते हैं, या फाइन सैंड हो सकती है। तो किस तरह की सैंड है उसी तरह की उनकी जो है हैबिटेट रहता है, कि फसोरियल तो हैं बर्रो तो बनाएंगे, लेकिन वो उस किस सैंड में कैसे रहते हैं, तो क्या करते हैं, जब कोर्स सैंड होती है या ग्रेवल्स होते हैं तो वो अपने आप को उसमें कंप्लीटली बरिड कर लेते हैं। आप उनको बाहर से देख नहीं सकते, वो उसके अंदर ही जो है वो रेस्ट करते हैं। लेकिन जब फाइन सैंड होती है तो इनका जो इंटीरियर एंड होता है वो बाहर निकल जाता है इनटू वाटर कॉलम, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पानी इस सैंड के अंदर है, बर्रो के अंदर है, और यहाँ पर इनका जो इंटीरियर एंड है वो बाहर को निकला हुआ है। तो यहाँ पर माउथ, टेंटिकल, एट्रियम, इंटेस्टाइन, एक्टोपोर, ये सब डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इनकी बॉडी वॉल जो होती है, जिसको स्किन बोल देते हैं, ये आउटर थिन एपिडर्मिस की होती है, और नीचे जो है वो डर्मिस, जिसको क्यूटिस भी बोल देते हैं, और इसके नीचे वाला सब क्यूटिस रीजन कहलाता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथीलियम सेल की होती है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। अडल्ट के अंदर जो है थिन लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड क्यूटिकल, आउटर साइड में क्यूटिकल भी देखने को मिलती है अडल्ट के अंदर, ठीक है, और वो बहुत ही थिन होती है और नॉन पिगमेंटेड होती है, जिसके कारण आप देखते हैं ना, मैंने कहा ये ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये स्कैटर्ड बिटवीन द जो एपिडर्मल सेल हैं, और कुछ ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेंसरी सेल भी प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिस जो है, जिसको डर्मिस कहते हैं, वो एपिडर्मिस के नीचे होती है, और ये थोड़ी टफ होती है, थिन है, कॉम्पैक्ट होती है। सब क्यूटिस जो है, जो आप देखें क्यूटिस के नीचे वाला रीजन होता है, वो जिलेटिनस मैट्रिक्स का होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मसल्स, ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर होता है लेसलेट के अंदर। इनमें आप देखेंगे मसल जो है मायोमर्स, मायोमियर्स बोलते हैं इनको। तो ये सिग्निफिकेंट फीचर होता है इन लेसलेट के अंदर, जिसमें क्या है मायोमिट्स बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ मायोमियर्स। अब ये मायोमियर्स जो होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं ब्लॉक ऑफ मसल्स होती हैं जो पार्शियली ओवरलैप होती हैं, और ये एक रो में पूरी बॉडी में आप देखेंगे, यहाँ पर ये इंडिविजुअल मायोमियर्स हैं और ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है पार्शियली ओवरलैप हो रखी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मायोमियर्स जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
ये अरेंजमेंट जो होता है जो मसल्स को वो स्विमिंग के दौरान एनिमल को साइड टू साइड मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इजीली वो साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हैं, अपने आप को पुल कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, ये आप, ये इसका फ्रंट आपको राइट साइड देखने को मिल रही है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड में भी आप देखेंगे ये वेंट्रल फिन रेज हैं और ये मायोमियर्स हैं। तो इस तरह की शेप में इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक जो है रिपीटिंग मायोमियर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्केल्टन सबसे पहले तो नोटोकोड है जो पूरी इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये बॉडी को सपोर्ट देता है। इट हैज अ फर्म शीथ एंड अ कोर मेड अप ऑफ सिंगल सीरीज ऑफ सेल दैट कंटेन मसल फाइबर। तो ये एक पतली सी थिन शीट होती है और एक कोर रीजन होता है इसके अंदर, और उस जो है सिंगल सीरीज मसल फाइबर की ये कोर रीजन जो है वो बना होता है। ये मसल फाइबर जो है वो स्टिफनेस देते हैं नोटोकोड को, जिनका मेन फंक्शन जो होता है वो बॉडी को शॉर्ट होने से रोकना है ताकि एनिमल जो है इजीली स्विम कर सके। स्ट्रेंथ ऑफ नोटोकोड जो है बहुत ही वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर है जिसमें मसल जो है आकर जुड़ती है, ठीक है, जिसके कारण वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता है। हमने देखा मसल्स हैं तो वो राइट एंड लेफ्ट साइड टू साइड मूवमेंट कर सकता है स्विमिंग के दौरान। तो ये नोटोकोड जो है एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें मसल जो है वो अटैच हो सकती है। स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स जो है यूज करते हैं इन मसल्स को स्विमिंग करने में। गिल्स हैं यहाँ पर, फेरेंजियल रीजन के अंदर गिल्स होते हैं। फिन्स हैं, आप देख सकते हैं डोर्सल फिन है, कोडल फिन है, वेंट्रल फिन है। सिरी हैं यहाँ पर, ओरल सिरी आपको देखने को मिल रही हैं। ये सब जो है स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं और सपोर्टिव रोड्स होते हैं इन सिफेलोकोर्डेटा के अंदर। अपेंडेजेस जो हैं, डोर्सल फिन पूरी बॉडी लेंथ में आप देखेंगे अपर सरफेस पर देखने को मिलता है और ये कंटिन्यू होता है विथ कोडल फिन जो कि टेल रीजन के ऊपर है, और फिर ये वेंट्रल फिन टू द एट्रियम ऑन द लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डोर्सल फिन है, ये कोडल फिन है और नीचे जो है वो वेंट्रल फिन जो है वो प्रेजेंट होता है। पेयर्ड फिन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जैसे कि आप फिश में देखते हो पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ये सब पेयर्ड फिन जो है एब्सेंट है। और मेटाप्लूरल फोल्ड पूरी बॉडी के साइड में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये माना जा रहा है कि ये माना जाता है कि ये जो पेयर्ड फिन वर्टिब्रेट्स के अंदर या फिशेस के अंदर देखने को मिलते हैं वो यहीं से इस मेटाप्लूरल फोल्ड से ही ओरिजिनेट हुए हैं। एट्रियम, देखो दो कैविटी हम पढ़ते आ रहे हैं, एक होती है एट्रियम, एक होती है सिलोम। एट्रियम जो है एक सिफेलोकोर्डेटा के अंदर एक लार्ज कैविटी है जो सराउंड करती है फेरिंग्स को और एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ध्यान रखें कि पूरी बॉडी लेंथ में ये नहीं प्रेजेंट है, ये सिर्फ फेरिंग्स और एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट है, और बोथ लेटरली एंड वेंट्रली डोर्सल साइड में भी नहीं होती। ये कैविटी जिसके अंदर फेरिंग्स है और एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। एट्रियम जो है आउटसाइड में एक पोर के द्वारा जो है खुलती है जो कि मिड वेंट्रल रीजन के अंदर होता है, उसको बोलते हैं एट्रियोपोर। ये वेंट्रल फिन के बिल्कुल फ्रंट में होता है। ये एक टीएस आप देख सकते हैं एट्रियोपोर रीजन का दिखाया हुआ है जिसमें ये मेटाप्लूरल फोल्ड है। ये मेटाप्लूरल फोल्ड जो है पूरी बॉडी लेंथ में होते हैं,
ठीक है, अब आप देखेंगे ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ब्लेंकियोस्ट्रोमा के अंदर, एम्फियोक्सिस के अंदर ये सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप मसल्स जो मायोमर्स मियर्स होती हैं, जिनको मायोटोम भी बोल देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक जो है वो रिपीटिंग यूनिट में प्रेजेंट होती हैं। ये बॉडी वॉल है, इससे ही मेटापोर फोल्ड बने हैं। ये डोर्सल फिन है, ठीक है, डोर्सल फिन रेज होते हैं, यहाँ पर जो है ये लेटरल साइड है दोनों, ठीक है, और ये वेंट्रल साइड होती है। तो वेंट्रल साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ये एक राउंडेड एट्रियोपोर प्रेजेंट होता है जो कि एट्रियम के अंदर खुलता है। अब आप देखेंगे ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है ये एट्रियम है, और इसके अंदर जो है एक और कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सिलोम, और सिलोम के अंदर जो है विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है। तो एट्रियम जो है वो एक्टोडर्म लाइन होती है और ये फेरेंजियल रीजन को प्रोटेक्ट करती है। सिलोम से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सिलोम में मीजोडर्म की लाइनिंग होती है। ब्राउन फनल नियर द जो हाइंड एंड होता है फेरेंक्स का, ये कट ओपन करके दिखाया हुआ है, ये पूरी बॉडी को लेंथ में, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इन सबको उन्होंने एक बार कट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है, ये जहां पर फेरिंग्स का हाइंड एंड होता है, एट्रियम जो है टू कॉनिकल पाउच बना लेता है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं सिलोम में ऑन आइदर साइड ऑफ द फेरिंग्स, और ये पाउच कहलाते हैं ब्राउन फनल या एट्रियोसिलोमिक कैनाल। अब देखो एट्रियो वर्ड है और सिलोमिक यानी कि एट्रियो की एक प्रोजेक्शन है, एक पाउचेस है, टू कॉनिकल पाउचेस जो कि सिलोम के अंदर के सामने प्रोजेक्ट करते हैं, और ये कहलाते हैं एट्रियोसिलोमिक कैनाल और ब्राउन फनल। इनका फंक्शन जो है वो एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है ये प्ले करते हैं। तो ये एक सिंपल सा सरफे ऊपर का हिस्सा जो है वो देखने को मिला। यहाँ पर बहुत सारे देखो गोनड्स की कैविटी है, ठीक है, बॉडी वॉल मस्कुलेचर है, ये एट्रियोपोर है। अगर आप इसको इस रीजन को वापस जोड़ेंगे तो एक पूरा एनिमल बन जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, अब आप बहुत सारे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ओरल हुड है, ओरल टेंटिकल्स हैं, और ये फेरिंग्स रीजन होता है, और फिर ये हेपेटिक सीकम है, सिलोम प्रेजेंट है, डोर्सल आयोटा देखने को मिल रहा है, एट्रियल ट्यूनिक जिसको इंटेस्टाइन है, और फिर ये एट्रियोपोर रीजन है, और ये टेल रीजन कोडल फन, यहाँ पर एनस जो है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है। ये आप फिर से स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली देख पाते हैं, जैसे वो एट्रियोपोर का टीएस था, यहाँ पर आप देखेंगे इस फेरिंक्स रीजन के टीएस को देख सकते हैं, ये डोर्सल साइड है, ठीक है, डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है, ये मायोमर्स हैं, इनके अंदर ये बीच में जो है फेरिंक्स रीजन, फेरिंजियल बार है, स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये एट्रियम व्हाइट कलर का आपको एट्रियम जो कि हमने बताया था फेरिंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और यहाँ पर ये गोनड्स भी देखने को मिल रहे हैं, और ये मेटाप्लूरल कोड है, ये नोटोकोड है, ये डोर्सल नर्व कोड है। तो ये एक फेरिंग्स रीजन का है, और इसी रीजन को अगर हम एनस के पास से काटेंगे तो हमें ये इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पर टेल फिन आ गई, ठीक है, टेल फिन है, यहाँ पर ये नर्व कोड है, ये नोटोकोड है, और यहाँ पर ये मायोमर्स है। तो यहाँ पर आप मियर्स हैं, और ये जो आप देखेंगे मायोमियर्स, और यही स्ट्रक्चर जो है टेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल उससे पहले एंड हो जाती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं देखने को मिल रहा है, इससे पहले जो मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था वो इस रीजन का, एट्रियोपोर रीजन का दिखाया था, कि यहाँ से सेक्शन काटेंगे तो क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ओरल हुड,
ओरल सिराई, यहाँ पर व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फिर एंडोस्टाइल, ये आपने यूरोकॉर्डेटा में भी पढ़ा था, ये फेरिंक्स रीजन है, ये इंटेस्टाइन है, गट रीजन, ये गट हेपेटिक डाइवर्टिकुलम है, ये एनस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा आपको ये रेड कलर की इसमें मसल्स जो है वो दिख रही हैं, ब्लू कलर की नोटोकॉर्ड है और ग्रीन कलर की जो है नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही है। और इनके नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो है एक स्वेलन सा स्ट्रक्चर होता है जिसको सेरेब्रल वेसिकल बोल देते हैं, सीलोम। अब एट्रियम हमें समझ में आ गया कि कैविटी है, एक्टोडर्म लाइंड होती है जो कि फेरिंक्स से लेकर एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन तक रहती है और वहां उनको प्रोटेक्शन देती है। बॉडी कैविटी जो सिलोम होती है वो हमें पता है मेसोडर्मल लाइंड होती है और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। ये एंटीरोसिलोमिक इन ओरिजन होती है, एंटीरोसिलस होती है। ये फेरिंक्स के पीछे से शुरू होती है स्पेशियस कैविटी और इंटेस्टाइन के अराउंड द इंटेस्टाइन जाती है, जिसमें कहता है जो ऑर्गन होते हैं चाहे वो इंटेस्टाइन है वो डोर्सल मेसेंट्री के द्वारा इन प्लेस जो है वो रहती हैं, क्योंकि सिलोम में बहुत सारे अदर ऑर्गन हमने देखा आ गए हैं जिसके कारण इसका जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे आप देखेंगे हाइंड गट जो है राइट साइड में पोस्टीरियर एक्सटेंशन, राइट साइड में हाइंड गट के एक पोस्टीरियर एक्सटेंशन हो जाता है एट्रियम का, ठीक है। सिलोम जो है वो मिड गट डाइवर्टिकुलम को सराउंड करती है जो कि एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होती है ऑन द राइट साइड ऑफ द फेरिंग्स। तो जो एट्रियम है उसके अंदर हमने कहा सिलोम है, तो हम कहेंगे जो सिलोम की कैविटी थी उसको किसने कवर कर लिया, जैसे कि ये जो एट्रियम की जो ग्रोथ है एक्सटेंशन है उनके कारण जो है वो स्पेस रिड्यूस हो जाता है। ये फिर से वही एट्रियोपोरिजन का टीएस है, आप देख सकते हैं ये व्हाइट आपको देखने को जो मिल रहा है दैट इज द एट्रियम, एट्रियम के इनसाइड में ये सिलोम है और सिलोम के अंदर जो है इंटेस्टाइन सस्पेंडेड है बाय डोर्सल मेसेंट्री के द्वारा। सेकंड रीजन होता है सिलोम के रिड्यूस होने का वो होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में हमने देखा बहुत सारे गिल क्लेफ्ट जो है, गिल बार जो है वो प्रेजेंट होते हैं और फेरिंजियल रीजन को जो अडल्ट के अंदर जो फेरिंजियल रीजन है वो रिड्यूस इनटू थ्री टाइप ऑफ स्पेसेस। अब सिलोम जो है वो रिड्यूस होकर थ्री प्लेसेस के ऊपर रह जाता है, ठीक है। हम बता रहे हैं कि सिलोम जो कि एक स्पेसियस कैविटी थी, मेसोडर्मल लाइन थी, उसका स्पेस कैसे कम हो गया, ठीक है। एक हमने बताया एट्रियम ने कवर कर लिया, एट्रियम के बहुत एक्सटेंशन हो गए राइट साइड में उसके कारण, ठीक है। और दूसरा हम बता रहे हैं कि जो फेरिंक्स के अंदर गिल क्लेफ्ट होते हैं वो भी फेरिंजियल रीजन के अंदर जो सिलोम है उसको थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस में रिड्यूस कर देता है। जैसे एक है मिड वेंट्रल सब एंडोस्टाइलर सिलोम, ये जो एंडोस्टाइल होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंडोस्टाइल का, जिसमें ये सिलेटेड एपिथीलियम होते हैं और ग्लैंड सेल होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और ये प्राइमरी गिल वाल है, ये सेकेंडरी गिल वाल के बीच में ये प्रेजेंट होता है और ये इसके नीचे आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडली बिलो द यहाँ पर सिलोम प्रेजेंट है जिसको सब एंडोस्टाइलर सिलोम बोलते हैं ये, ठीक है। तो सिलोम जो है रिड्यूस हो गया तो एक पर्टिकुलर स्पेस में रह गया जिसको हम बोल रहे हैं एंडोस्टाइलर सिलोम, एंडोस्टाइल के नीचे। दूसरा कहता है लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, टू डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल की फॉर्मेशन में हो जाता है इसके जो फेरिंग्स है उसके दोनों तरफ, ठीक है। और जहां पर ब्राउन फनल हमने बताया था मिड फेरिंक्स रीजन के अंदर जो है
एट्रियम की आउटग्रोथ हो जाती है, पाउच कॉनिकल पाउच में एक्सटेंड कर जाता है, जिसको ब्राउन फनल बोलते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करते हैं। तो वहां पर सिलोम जो है टू डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल की फॉर्म में फेरिंग्स के दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है वर्टिकल। अब देखिए, पहला मिड वेंट्रल था, दूसरा हमने बताया दो डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि एक वेंट्रल साइड में है, दो डोर्सल साइड में है, और तीसरा जो है वो वर्टिकल है। जो सिलोमिक कैनाल जो है ये प्राइमरी जो गिल वॉल होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और ये क्या करती हैं, जो ऊपर वाली ये सब एंडोस्टाइलर जो कि वेंट्रल साइड में है, उसको जो ये डोर्सल साइड फेरिंग्स के दोनों तरफ है डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल है, उनके साथ एक कनेक्शन का काम करती है। यानी कि ये वर्टिकल सिलोम जो है इन लॉन्गिट्यूडिनल सिलोम्स को आपस उनके साथ जुड़ जाती है। ठीक है, कुछ सिलोम स्पेस जो है गोनड के चारों तरफ भी प्रेजेंट होता है, गोनड के आसपास, उसको गोनो सील बोलते हैं। तो ये एक डोर्सल रीजन है, नर्व कोड है, ये ब्रैंकियोस्टोमा का गोनड आप देख सकते हैं। ये गोनड्स हैं ये, और ये इनके बीच में ये आपको कुछ एम्प्टी स्पेस, अब ये मेसोडायमल लाइन है तो इसको गोनो सील बोल देते हैं। यहां तक मैंने कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि उनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो, उनका हैबिटेट कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, बॉडी फॉर्म कैसी होती है। इनकी बॉडी जो है, क्योंकि हेड एब्सेंट होता है, तो इनकी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रंक और टेल। ठीक है, हेड जो है वो एब्सेंट होता है अपेंडेजेस के नाम पर, इसमें फिन, सिंगल फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बॉडी वॉल के बारे में हमने देखा, स्केल्टन हमने देखा, उनके अंदर नोटोकोड है। ठीक है, और फिन्स थे, कुछ गिल्स हैं जो कि स्पोर्टिव स्ट्रक्चर रहते हैं, सिलोम के बारे में हमने देखा, और एट्रियम के कैविटी जो है, स्पेशियस कैविटी, वो जो एट्रियोपोर के द्वारा बाहर एक्सटीरियर में खुलती है। तो ये कुछ जनरल से करेक्टर हैं, हमने सिवेलोकोर डेटा के अंदर देखे। अब हम इनके डिफरेंट जो सिस्टम है उनके बारे में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।